हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेलिस किचन। देखिए आज मैं क्या लेके आ गई हूँ। आज मैं लेके आई हूँ कतला मछली की मुंडी। ये लगभग 1 किलो साइज का है, बहुत ही बड़ा है। देखिए मैं अब रेसिपी पूरा शुरू करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसीलिए मैं मछली के मुंडी को पहले धो ली हूँ अच्छे से। अभी इसमें मैं 1 आधा चम्मच नमक डाल दी हूँ और अभी इसमें और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल दी हूँ और साथ में मैं डाल दूंगी इसमें 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। और इन सब को अच्छी तरह से मैं ये मुंडी में मिला लूंगी। इसके अंदर भी मैं अंदर अंदर तक मैं डाल के, देखिए अंदर अंदर तक मैं डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि नमक अंदर तक जा सके, नमक हल्दी और मिर्ची। तो अगर ये अंदर तक जाएगा तभी इसका टेस्ट अच्छा लगेगा खाने में। और क्योंकि ये बड़ा मछली का मुंडी है, बहुत बड़ा है, इसलिए मसाला भी अंदर तक अच्छे से देना पड़ेगा, नहीं तो ये अंदर तक मसाला नहीं हो जा पाएगा। तो देखिए मैं अच्छे से मसाला को लगा ली हूँ। देखिए तो चलिए हम रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मछली की मुंडी को बनाने के लिए इसको मैं ना सहगा ही फ्राई करूंगी। तो इसको मैं, ये कतला मछली का मुंडी है ये देखिए, इसे मैं धोकर हल्दी नमक लगा ली हूँ अच्छे से। और पहले से ही 1/2 घंटा पहले इसको मैं हल्दी नमक लगा के रख दी थी। अब मैं इसमें कुछ मसाला मिलाऊंगी जिसे मैं मिक्सी में पेस्ट कर ली हूँ। यहाँ पे अदरक, लहसुन और प्याज थोड़ा सा और 1/2 चम्मच जीरा और 4-5 हरी मिर्च लेके मैं पीस ली हूँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी ली हूँ। और इस पेस्ट को मैं ये मछली की मुड़ी में डाल दूंगी। इसको मैं सैगा ही फ्राई करूंगी। ये सैगा सैगा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। नमक हल्दी तो मैं पहले से ही लगा ली थी, अब बस इसके अंदर पूरा मैं ये मसाला को डाल दूंगी जिससे इसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए मैं इसे अंदर डाल दी हूँ मसाला। इसमें मैं थोड़ा सा 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। ये मैं 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल दी हूँ इसके अंदर और मिक्स कर लूंगी। इसमें अदरक, लहसुन, प्याज सब का पेस्ट एक साथ कर ली थी, उसी को मैं डाल दी। अच्छे से मेरा मिक्स करना हो गया है। अब ऐसे ही इसे 4-5 मिनट रखूंगी। जब तक ये रेडी होता है, सेट होता है, मसाला इसके अंदर अच्छे से अंदर तक चला जाता है, तब तक मैं कढ़ाई पे, गैस पर कढ़ाई बिठा दी हूँ पहले से और इसमें तेल डाल के मैं गरम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में सरसों तेल डाल दूंगी, 3-4 टेबल स्पून है इसमें। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें मुड़ी को फ्राई करूंगी, कतला मछली की मुंडी को। मैं ऐसे खिला के कढ़ाई के चारों तरफ तेल को फैला रही हूँ। ये तेल गर्म हो गया है अच्छे से, धुआं भी निकल रहा है। मैं अब इसमें मछली की मुड़ी को डाल दूंगी। ये बहुत ही वेट है, 1 किलो के बराबर है ये। देखिए दोस्तों कितना बड़ा है, मैं इसे एक हाथ से ऊंचा नहीं कर सकती, एकदम 1 किलो के बराबर होगा इतना बड़ा एक कतला मछली का मुंडी है। इसे मैं बिठा दी हूँ, इसका एक तरफ जब हो जाएगा तब मैं इसे पलट दूंगी और दूसरे तरफ को भी फ्राई कर लूंगी। अब मैं इस मुड़ी को पलट दूंगी, धीरे धीरे पलटूंगी, बहुत ही
बहुत ही बड़ा है, इसे घुमाने में भी दिक्कत हो रहा है, इतना बड़ा है। देखिए इसका एक साइड हो गया है, अब दूसरे साइड को भी मैं ऐसे ही फ्राई करूँगी। ये फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा मछली का मुंडी है, तो इसको धीरे धीमी आँच में मीडियम फ्लेम में इसे पलट पलट के मुझे फ्राई करना पड़ेगा, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। फाइनली हमारा मछली का मुंडी फ्राई हो चुका है। देखिए कलर देखिए, वाओ एक नंबर बना है। देखिए बहुत ही बड़ा, और इसे फ्राई करने में मुझे लगभग 20-25 मिनट लग गया है। मैं एकदम लो फ्लेम पे धीरे धीरे इसे मैं फ्राई की हूँ। देख लीजिए, अब मैं गैस को ऑफ कर दूँगी और प्लेट में निकाल दूँगी। ठंडा होने के बाद ही मैं इसे सर्व करूँगी। देखिए दोस्तों, मेरा गार्निश करना लगभग हो गया है। मैं यहाँ पे प्याज से गार्निश कर दी हूँ, एक यहाँ पे नींबू भी दो टुकड़ों में काट दी हूँ, एक हरी मिर्ची है, और ये मैं बीच बीच में थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर दे रही हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा सुंदर लगे। ये देखिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सॉस से भी गार्निश कर दूंगी। फाइनली हमारा देखिए कितना सुंदर, कितना एट्रैक्टिव और यम्मी यम्मी खाने में, देखने से ही मन ललचाने लगेगा सबका। हमारा फाइनली ये कतला मछली का मुंडी फ्राई हो चुका है। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर मेरे पेज में आप न्यू हैं तो साइड में लगा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और इसी तरह से आप लोग मेरे साथ में हमेशा बने रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और टेस्टी टेस्टी रेसिपी लेके आ सकूं। देखिए देखते भी कितना अच्छा है ये, खाने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी इसे घर में ट्राई कीजिए और बनाइए, खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।